एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन में। जैसे कि आप देखा होगा कि पहले भी मैं आपके सामने ये वीडियो को लेकर आई थी, जिसमें कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस चल रहा था, उसमें थोड़ा सा काम पेंडिंग था अपना डाउन सीलिंग का, तो अभी वो स्टार्ट किया है हमने, तो देख सकते हैं आप। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ। 145 गज में हम ये बना रहे हैं, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी के अंदर है, मोहाली के नियर बाय खरड़ में लोकेटेड है, खरड़ बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको इस कोठी का फ्रंट एलिवेशन की किस तरह से हम इसको अभी डिजाइन कर रहे हैं। अभी इसमें अभी टाइल वर्क वगैरह लगनी बाकी है, तो जब वो लग जाएगी तो काफी खूबसूरत दिखेगी और काफी अच्छा लगेगा देखने में। इसमें अभी टाइल्स का भी कॉम्बिनेशन अभी हमने करना है। तो जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं, ये एक्चुअली अपना कॉर्नर हाउस है, तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे जो है मेन गेट रहेगा, जिसमें कि स्टील की रेलिंग लगेगी। स्टील की रेलिंग के साथ उसमें वुडन का टच हम आपको देंगे, ताकि आपका घर और ज्यादा अच्छा लगे। एंड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 लैंप्स मिलेंगे बोथ साइड में, ये देख सकते हैं। बात करते हैं हम पार्किंग एरिया की, तो पार्किंग एरिया काफी स्पेशियस है, जहाँ पे आप इजीली अपनी एसयूवी कार पार्क कर सकते हैं, सिडान कार भी आप पार्क कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की बात करें, तो ऊपर आपको जो है लाइट्स के हमने जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें कि आपकी लाइट्स जलेगी तो काफी अच्छा लगेगा देखने में रात के टाइम। तो अगर हम इस साइड को देखें, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आप इजीली अपना 4-व्हीलर पार्क कर सकते हैं, अभी ये कवर होना बाकी है। तो इसी के साथ ही अब ये रहता है हमारा स्पेस जो हमने अभी यूटिलाइज करना है। यहाँ पे जो है आप अपना इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, सिलेंडर भी लगा सकते हैं, जो कनेक्शन है वो हम आपको अंदर से देंगे, तो आप सिलेंडर अपना इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम बात करें इस साइड की, तो यहाँ पे भी हमने कोठी को अच्छी लुक देने के लिए डिजाइन डाला है, ताकि आपकी कोठी की लुक थोड़ी सी एनहांस हो सके। तो आइए दोस्तों, अब मैं लेके चलती हूँ आपको इंटीरियर की ओर। तो ये रहता है हमारा मेन डोर, डबल डोर आपको हम यहाँ पे लगवा के देंगे। इसी के साथ ही हम एंटर करते हैं दोस्तों अपने लिविंग एरिया में। अगर हम लिविंग एरिया की बात करें, तो काफी स्पेशियस आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मिलने वाली है विंडो, ये देख सकते हैं एल शेप में विंडो मिलेगी, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके बेडरूम में आ सके। तो यहाँ पे भी आप इजीली अपना सोफा या टेबल लगा सकते हैं। अगर हम बात करें डाउन सीलिंग की, तो अभी हमने इसमें डाउन सीलिंग का वर्क अभी स्टार्ट करा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, जिन्होंने मैं ये वीडियो पहले देखी है, कि अभी हमारी कोठी में कितना काम हुआ है। ये देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट डिजाइन डाल दिया है, तो जाले बिछ चुके हैं, तो इसके बाद ही अब इसमें बाकी का काम भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर हम बात करें एसी की प्रोविजन की, तो हमने आपको एसी का भी प्रोविजन आपको लिविंग एरिया में दिया है। अगर हमने सोफा प्लेस करा है वहां पे, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफी स्पेस रहता है, तो इसी यहाँ पे आप इजीली अपना डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सके, लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सके। तो इसी के साथ ही यहाँ पे भी हम आपको डोर लगवा के दे रहे हैं, तो ताकि आप यहाँ से बाहर जाए, या आप इसको ग्रीन एरिया बनाना चाहे ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं, बालकनी बनाना चाहे बालकनी भी बना सकते। तो यहाँ पे इजीली आप रात का इवनिंग की टी या मॉर्निंग की टी का आप इजीली आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करें नियर बाय सोसाइटीज, तो काफ़ी अच्छी सोसाइटीज है नियर बाय, ग्रीन एरिया काफ़ी है, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्टोर, या आप इसको पूजा रूम अगर बनाना चाहे तो पूजा रूम भी बना सकते हैं। तो ये अपना स्पेस था, यूटिलाइज करा है, तो यहाँ पे आप इसको अपना पूजा रूम बनाना चाहे पूजा रूम भी बना सकते हैं। अगर आप इसको अपना स्टोर एज अ स्टोर भी बनाना चाहे वो भी, तो आपको यहाँ पे भी ऊपर डाउन सीलिंग का थोड़ा सा डिजाइन हम आपको लगवा के दे रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन भी आपको मिल रही है प्रॉपर, तो यहाँ पे आप इसको इजिली अपना कवर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन की ओर, कि किचन हमारा किस तरह से बन रहा है, या कौन सी डाउन सीलिंग का डिजाइन है। तो ये देखिए, ये आ जाता है अपना किचन एरिया, जो काफी स्पेशियस है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है शेल्फ डाल चुके हैं, इसके बाद इसमें मार्बल लगना बाकी है। तो अगर हम डाउन सीलिंग की बात करें, तो यहाँ पे भी हमने एक अच्छी सी डाउन सीलिंग का डिजाइन डाला है, तो अभी आपको उतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, जब पूरा प्रॉपर बन जाएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं सभी में हमने जो है इसके डिजाइन डाल दिए हैं, जो पाइप
जो ये तारे वगैरह है वो ऑलरेडी बिक चुके हैं इलेक्ट्रिशियंस की जो लगनी होती है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं डबल सिंक, इसी के साथ ही फोर टैप्स आपको 1 2 3 4 फोर टैप्स दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपके वार्डरोब्स रहेंगे। इसी के साथ ही आपको मिल रही है वेंटिलेशन के लिए विंडो, देख सकते हैं आप फुल हाइट तक आपके इसमें कवर्स रहने वाले। अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आप इजीली अपना फ्रिज भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा किचन एरिया जहाँ पे 2-3 पर्सन इजीली अपना खाना कुक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है अपना बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम। तो ये देख सकते हैं, ये अभी हम सिंगल स्टोरी हाउस बना के दे रहे हैं। ये देख सकते हैं काफी स्पेशियस लग रहा है देखने में। अगर हम इस साइड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका इजीली जो है बेड प्लेस हो सकता है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर आपको डाउन सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, ऑलरेडी जाले बिछ सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा काम और होना है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। जो ये वाली वॉल है तो यहाँ पे आपके जो है प्रॉपर कवर्स रहने वाले हैं दोस्तों, वो भी अगर आप अपनी चॉइस से माइका सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वाली वॉल पे आपका LCD पैनल रहेगा जहाँ पे आप आराम से बेड पे लेट के अपना TV चैनल देख सकते हैं अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग। अगर बात करें वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन भी हम आपको प्रॉपर दे रहे हैं, हमने जो है स्विचेस भी आपको प्रॉपर दे रखे, कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ पे भी आपके स्विचेस रहेंगे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो कि एंकर ब्रांड के रहने वाले हैं, ताकि आप अपना चार्जर लगाना चाहे चार्जर लगा सकते हैं, अगर विंटर में हीटर सेकना चाहे तो वो भी सेक सकते हैं। आइए तो हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। तो ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है, ये देख सकते हैं। इसमें भी ऑलरेडी हमने बाथ फिटिंग वगैरह अभी करवानी है तो वो भी एज इट इज आपको, अगर किसी ने मेरी 108 या 109 गज की कोठी की वीडियो देखी हो, सेम एज इट इज इसी तरह से रहने वाला है। डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है, वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर विंडो मिलने वाली है। ये था हमारा वॉशरूम। आइए इसी के साथ ही अब हम लेके चलते हैं आपको वॉशिंग एरिया की तरफ। वॉशिंग एरिया की बात करें तो दोस्तों वॉशिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे आप इजीली अपने मशीन में अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। अगर हम बात करें वेंटिलेशन के लिए तो वेंटिलेशन भी काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी खासी आ रही है आपके वॉशिंग एरिया में। तो ये था हमारा वॉशिंग एरिया। तो आइए दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है। तो ये आ जाता है अपना सेकेंड बेडरूम। एक्चुअली इसमें जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो मैं आपको यहीं से ही दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं डाउन सीलिंग का भी डिज़ाइन ऊपर पड़ रहा है, जालियाँ बिछ रही है, और इसी के साथ ही उस साइड को जो है अपनी वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है। उसी के साथ ही वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमने कबर्ड्स के लिए आपको स्पेस दिया है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो हमने जो है वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं आपको दिए, चारों तरफ वेंटिलेशन बहुत अच्छी है ताकि प्रॉपर सनलाइट आपके बेडरूम में आ सके। अच्छा एक और चीज़, हमने क्या है कि हॉल और बेडरूम का अटैच आपको वॉशरूम दिया है। तो ये रहता है आपका हॉल और बेडरूम का अटैच वॉशरूम, ताकि बेडरूम वालों की अपनी प्राइवेसी रहे, कोई दिक्कत ना हो। अगर हॉल वाले भी अगर गेस्ट आते हैं आपके तो हॉल पे आप सो सकते हैं इजीली, तो आप ये वाला वॉशरूम भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल रही है प्रॉपर, गीजर शावर के पॉइंट्स आपको लगवा के देंगे। आइए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि टेरेस से कैसा व्यू दिखता है आसपास का नियर बाय। तो ये आ जाती है हमारी स्टेयर्स जो जाती है अपनी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगेगा आपका मीटर बॉक्स, ये यहाँ पे अभी स्टील की रेलिंग लगनी बाकी है, मार्बल लगने बाकी है। तो इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम इस साइड को देखिए तो यहाँ पे भी स्पेस है, आप अपने स्पेस को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ स्टोर अगर आप करना चाहे तो। तो ये आ जाती है हमारी, ये अपनी कॉर्नर कोठी है, देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। अगर हम नियर बाय देखें तो काफी अच्छी लोकेलिटी है, नियर बाय आपको पार्क मिलेगे, और ये जो है अपना गेटेड सोसाइटी के अंदर है। 12 एकड़ की ये सोसाइटी आपको मिलने वाली है।
अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफी स्पेस है। इन फ्यूचर आप जब आपके पास पैसे आए तो आप यहाँ पे इजीली अपना जो है टू बेडरूम आप बना सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप हमसे भी बनवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम जो है ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, डायरेक्ट डील करते हैं विद बिल्डर से, और इसी के साथ ही अपना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी वो रहेगी हमारी 1800 पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के साथ। हम आपको घर बना के देंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में आपको घर हैंड ओवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर रेडी टू मूव चाहिए, रेडी टू मूव भी अपने पास अवेलेबल है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट्स देख रहे हैं, अगर प्लॉट्स देख रहे हैं या कोठियाँ देख रहे हैं वो भी अपने पास मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हाईवे से ये रहेगा मात्र 500 मीटर की दूरी पे, एंड मोहाली यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और चंडीगढ़ यहाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड अपना जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जहाँ आपके बच्चे पढ़ सकते हैं तो वो है अपना यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास। और नियर बाय अगर स्कूल देखे या मतलब छोटे बच्चे हैं आपके तो यहाँ पे जो है नियर बाय CBSE स्कूल है अपना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड देख सकते हैं अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क है जहाँ पे वो खेल सकते हैं अपना एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको भी वॉक वगैरह करनी हो तो आप भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और नमस्ते। आप इसी तरह मुझसे मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहें ताकि मैं आपको नई नई वीडियो दिखाते रहूँ कि क्या क्या प्राइस चल रहे हैं अपने खरड़ में, और भी बहुत कुछ आपको इंटीरियर डिज़ाइन मिल जाता है देखने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड थैंक यू सो मच।